अस्सलाम वालेकुम, अदन बात कर रहा हूँ मैं। जी, जानती हूँ। सोमिया से बात करनी थी। मुझे नहीं लगता वो मुझसे बात करेगी, इसलिए मैंने आपको कॉल किया है। मैं आपकी बात करवा देती, लेकिन वो क्या है ना, अमान घर पर मौजूद है। अच्छा, देखें, आप जानती हैं ना कि मैं सोमिया से मोहब्बत करता हूँ। जी, वो भी मानती है, बल्कि मुझे तो यकीन है कि वो भी आपसे बहुत मोहब्बत करती है। अगर वो मोहब्बत करती होती ना मुझसे, तो इतनी बेरहमी से मेरा तोहफा वापस न करती। क्या उसने आपका गिफ्ट वापस कर दिया? दरअसल बात ये है अदन साहब, कि ऐसी लड़कियां जो किसी से मोहब्बत करती हैं, वो ये चाहती हैं कि आसपास के लोगों को उस बारे में पता ना चले। अरे तोहफे तारीफ छोड़े, मैं तो कहती हूँ कि आप रिश्ता भेज दें। रिश्ता? वो मान जाएगी? मानती है वो अदन साहब, इसीलिए तो उसने वो तोहफा वापस किया है आपको, सिर्फ ये एहसास दिलाने के लिए कि ये तोहफा वो तब लेगी जब आपका नाम उसके नाम के साथ जुड़ जाएगा। लेकिन मुझे तो ऐसा लगा था कि आप देखिए, आप किसी वहम में मत पड़िएगा। मैं तो कहती हूँ कि अपने घर वालों को भेजें और फौरन रिश्ता तय कर दें। ठीक है, खुदा हाफिज। क्या कर रहे हैं आप? कुछ भी नहीं। तो चले, मोम आपको बुला रही है। खैरियत है ना? हाँ, बस वो मैंने मोम को बता दिया है कि मैं कनाडा शिफ्ट होने से पहले भाभी से मिलना चाहती हूँ। नाजिया, तुम पागल तो नहीं हो गई हो? और क्या क्या बताया तुमने? अब सब कुछ मैं ही बता दूंगी, तो आप क्या बताएंगे? और मुझे उम्मीद है कि आपने सोमिया की मर्जी तो जान ही ली होगी। ओके, आई गॉट इट। ये हुई ना बात, मेरी शादी पे बुला रहे हैं ना उसे। क्या मतलब, वो कैसे आ सकती है तुम्हारी शादी में? आपको मैंने कहा भी था, मुझसे मिलवा दे, मैं खुद इनवाइट कर लेती। लिसन, वो थोड़े मुख्तलिफ मिजाज की लड़की है, शादी से पहले मुझे नहीं लगता वो आएगी। ठीक है ना, चले चल के मॉम से शादी की बात करते हैं। चलो शादी की बात करते हैं। भाभी नमाज पढ़ने लगी तो मैंने सोचा कि तुमसे कुछ बात ही कर लूं। राहिला, हो क्या रहा है इस घर में? क्या मतलब है? आपा कह रही थी कि वो सोमिया को अपनी बहू नहीं बनाना चाहती। आपने वजह पूछी? पूछा था, उन्होंने कहा कि तुमसे पूछो। अम्मी, आप ना ही बोले इस मामले में तो ज्यादा बेहतर है। ऐसा ना हो कि आपने कुछ बोल दिया तो मेरे लिए मुश्किल खड़ी हो जाएगी। लेकिन बेटा, कुछ पता तो चले कि आखिर बात क्या है। बात यह है कि सोमिया की मर्जी नहीं है यहाँ शादी करने के लिए, उसने हातिम को साफ मना कर दिया है। सोमिया ने ऐसा क्यों कहा? मैंने आपको बताया तो था, ये लड़की ना जाने अंदर ही अंदर क्या कुछ करती रहती है। और तो और, वो लड़का नुमान की गैर मौजूदगी में घर आने लगा है। हाय अल्लाह, तुम सच कह रही हो रहीला? मैं तो बहुत से सच अपने अंदर छुपाए बैठी हूँ। मेरी तो दुआ है कि बस ये लड़की इज्जत से इस घर से रुखसत हो जाए। सोमिया को देख के कोई ये नहीं कह सकता कि ये लड़की इतनी मक्कार है, लेकिन मुझे तो ये परेशानी हो रही है कि मैं नुमान को क्या जवाब दूंगी। आप किसी से कुछ मत कहिएगा। अगर ये सब कुछ बोलना इतना ही आसान होता ना, तो मैं कब की बोल चुकी होती। लेकिन वो मुझसे जवाब तो मांगेगा ना, मैं क्या जवाब दूँ? आप कुछ मत बताइएगा, बल्कि सच तो ये है कि हातिम की ख्वाहिश नहीं है कि वो अब सोमिया से शादी करे। और फहमीदा खाला ने भी हातिम के कहने पर ही इनकार किया। और वैसे भी हातिम सब कुछ जानते हुए भी सोमिया से शादी कैसे करेगा? ना खैर करे, लेकिन ये सब कुछ अच्छा नहीं हो रहा। राहिला, क्या कह सकते अम्मी,